याली मदद, August 3, 1985, अलवाइज राय अकबर अली बाबू, एक चीफ जमातखाना ट्रोनो कनाडा। सब्जेक्ट बैतुल ख्याल। तमाद के रे जो भागते के जेरे भाई, तमाके दे जो हर भगते के जे, तो पूरा मेवाओं का जाने जे रे भाई, हो हर पियो की भगते सो पियो सोला गोरे भाई, पियो के भगते पियो सोला गो, तो हाथ पसारी ने कछु ना मांगो रे भाई, हाथ पसारी ने कछु ना मांगो रे, तो ही मरा साचा साहिया, पियो जी तो ही जो तो लोने को भाई जो तो लोने पियो को, तो कुछ ना मांगो आशारे भाई, को छाना मांगो आशा, पियो पापो सब कुछ तेरे पास रे भाई, सब कुछ तेरे पास। खुदा हाजरी माँ, नयात अल मोमिनीन वल मोमिनात, रूहानी माँ बाप, सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ देंगे। दीनदारो, मजहब के अंदर चार तरीके बताने में आए हैं, शरीयत,
तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत और तरीकत के अंदर हमें सब कुछ मांगने को सिखाने में आया है। जैसे हम जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ तरीकत का रास्ता है, हम तस्बीह निकालते हैं वो तस्बीह तरीकत का रास्ता है, और हम लोग देखते हैं कि दुआ और तस्बीह के अंदर हम लोग मौला के पास दुनिया की हर चीज मांगते हैं। दुआ में हम मांगते हैं वरजुकना वरहमना वगफरलना, कि मेरे को रोजी दे, मेरे पे रहम कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी उम्मीदें तो पूरी कर। तस्बीह के अंदर हम मांगते हैं हमारी मुश्किल आसान कर, हमारी उम्मीदें पूरी कर, हमारी बला आफतों को दूर कर, हमें रोजी रोजगार के अंदर बरकत दे। तो ये शरीयत और तरीकत है। लेकिन यहां जो ज्ञान के पाठ मैंने दिए आपको, उसमें शरीयत और तरीकत से हट के एक बात कहने में आई है। जैसे एक फ्रूट होता है, वो फ्रूट के अंदर चार चीजें होती है। पहली चीज होती है उसका बाहर का छिलका, दूसरी चीज होती है कि जो फ्रूट के अंदर गर्भ होता है, तीसरी चीज उसका सीड होता है, बीज, और वो बीज के अंदर एक और छोटा बीज होता है जिसमें से एक दूसरे नवा झाड़, एक नवा दरख्त पैदा होता है। तो यहां जो बात की है ज्ञान के अंदर, वो चौथा जो बीज है, बीज के अंदर जो छोटा सा बीज है उसकी बात की है। हकीकत और मारिफत के अंदर हमें एक दूसरा लेसन सिखाने में आया कि इमाम के पास तुम कुछ भी मत मांगो। देखो, मैंने शरीयत और तरीकत का लेवल आपको बताया कि शरीयत और तरीकत के लेवल के ऊपर आप सब कुछ मांगते हैं, लेकिन यहां कहा कि पियों की भक्ति पियों सु लागो, तो हाथ पसारी कछु न मांगो, तमा केरी जो कीजे भक्ति तो पूरा मेवा क्यों कर लीजिए। तमा किसको कहते? तमा लालच, तमा मीन्स लालच, के लालच केरी भक्ति कीजिए तो पूरा मेवा क्यों कर लीजिए। के भक्ति के अंदर तीसरे स्टेज की बात है, हकीकत की, उसमें कोई मांगनी नहीं होती है। देखो, हम लोग बैतुल ख्याल की तस्बीह निकालते हैं तो बैतुल ख्याल की तस्बीह के अंदर, मुझे जब तक इंडिया का पता है, हम लोग तीन से चार सेंटेंस बोलते हैं, या श्रीमान बैतुल ख्याल वाले के हकीकत समझ लीज, इन्हें या गुना माफ करज, इन्हें के रूहानी रोशनी नसीब करज, ये तीन चीज। चौथी, हम दुनिया की चीज नहीं मांगते हैं, दुनिया की रोजी रोजगार हम बैतुल ख्याल के अंदर नहीं मांगते हैं, उसमें हकीकती समझ मांगते हैं, उसमें हम लोग रूहानी रोशनी मांगते हैं, क्योंकि बैतुल ख्याल के अंदर तमा नहीं होती है। तमा केरी जो भक्ति कीजिए, लालच के साथ जो भक्ति करो तो पूरा मेवा क्यों कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सवाल चिन्ह है, कि पूरा जो फ्रूट है, एक लुत्फ है, मजहब का एक रूहानी लुत्फ है, वो क्यों कर लीजिए। पियो की भक्ति सो पियो सो लागो, तो हाथ पसारी अने कछु न मांगो। और फिर कहा, रे तू ही जो तू लोने पियू को, तो कछु न मांगो आश, अने पियू पावो अपना तो सब कुछ तेरे पास। तो मांगने का क्या, हमें दिनदारो। मौलाना सुल्तान उषा का एक फरमान देके ने फिर बात करूं। मौलाना सुल्तान उषा ने जो 45 की कॉन्फ्रेंस का, दार ए सलाम की कॉन्फ्रेंस की, मैंने बहुत सारे वो बातें बताई आपको, कि जो मौलाना सुल्तान उषा ने बहुत बड़ी स्पीच दी थी, उसमें एक जगह पे मौला फरमाते हैं कि हिंदू धर्म ना दृष्टांतो अने दाखला दलीलो तमारे साचवी ने राखवा जोईए, संभाड़ी ने राखवा जोईए। हिंदू धर्म ना अमुक दाखलाओ, अमुक दृष्टांतो तमने साचवी ने राखवा जोईए, अने समय प्रमाणे एनो तमारे उपयोग करवो जोईए, अने हजरत अली ना अलौकिक बनावो ने पण तमारे संभाड़ी ने राखवा जोईए।
तो यहाँ मिशनरी की कॉन्फ्रेंस में मौला ने फरमाया कि कुछ हिंदुज्म के दाखले दलील जिसमें से हमको कुछ मोरल मिलता है, कुछ लेसन मिलता है, मौला ने कहा उसको संभाल के रखो और कभी वक्त आने पर तुम उसका इस्तेमाल भी करो। अब हम मांगे क्या, तो हिंदू फिलोसॉफी के अंदर, हिंदू हिस्ट्री के अंदर एक भगत का नाम देने में आया है, जिस भगत का नाम हमारे गिनानों में कई टाइम आता है, दो नाम से उसको पुकारने में आता है, एक उसको प्रहलाद भी कहते हैं और दूसरा उसका नाम है पहलाज, यानी वो अपभ्रंश हो गया है। तो वो पहलाज जो था, प्रहलाद जो था, उसके ऊपर जब खुदा राजी होता है और हमारे गिनान में जिक्र करने में आया है, ए जी राजा पहलाज जानी ए प्रीत बांधानी जुगमा ए जी थंबा पाटी ने नरसा ए प्रागट थाया रे तेनी ए सुरता लागे। राजा पहलाज ने प्रीत बंधाणी अने थम फाटी ने नरसम प्रकट किया कि उसके बाप ने जब उसको थमले के साथ बांध दिया जो खुदा का दावा करता था, और फिर थमले के अंदर से खुदा प्रकट हुआ और वहां खुदा उसको पूछता है कि क्या चाहिए प्रहलाद, मैं तेरे पे बहुत खुश हूं, मांग। देखो हम इतना अच्छा लेसन सिखाया, मौलाना सुल्तान मुशा ने खामा खाने कहा कि हिंदू धर्म ना अमुक दृष्टांत तो संभाली नहीं रखो। खुदा कहता है क्या चाहिए, मांग, आज मैं बहुत राजी हूं, कुछ न कुछ मांग मेरे पास से। बोलता है कुछ नहीं, नहीं मांगना है। खुदा कहता है नहीं, मैं तेरे को कहता हूं मांग आज। कहता है नहीं मांगना है कुछ भी। फिर भी कहता है तो एक चीज मांगा, क्या मांगा, मेरे को देने का है एक चीज दे कि मने एवू आप, मने एवू आप के मने काई मांगवानी इच्छा ज न थाय, ए वरदान आप, के मने एवू वरदान आप के मने काई मांगवानी इच्छा न थाय, मारी बधी इच्छा खत्म थी जाए। आश तो एक अलख ने कीजे अने अवर्ते आश निराश। और फिर अपने बाप के लिए मांगा कि उसने गुनाह किया है, अपने बाप खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बाप के लिए मांगा तो उसने गुनाह किया, हो सके तो उसको तो माफ कर देना, हो सके तो उसको माफ कर देना। लेकिन कितना अच्छा सेंटेंस कि एवं वरदान आप, तो एवी दुआशी साहब कि कहीं मांगवानी इच्छा न थे, हाँ जो तू लोणे पियो को तो कछु न मांगो आश, पियो पामो आपना तो सब कुछ तेरे पास। यू नो एक स्त्री, छोटी सी स्टोरी है और आई थिंक नूरन मुबीन के अंदर भी उसको लेने के अंदर आई है, मौलाना सुल्तान मुशा के कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मुसलमान ये स्टोरी को कहता है कि वो एक बूढ़ी थी, डोसी थी, वो बूढ़ी माँ बोलती है कि मेरे को तो बादशाह चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बादशाह ने कहता है कि जिसको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, सुबह से मैं खड़ा रहूंगा एक जगह के ऊपर और हीरा माणिक मोती सब होएगा, जो उठाना एक एक चीज, और एक जगह पे मैं खड़ा होऊंगा जो मेरे को ढूंढेगा। बूढ़ी सीधी एंटर हुई माँ जी और कोई हीरे मोती को हाथ नहीं लगाए, ढूंढती है बादशाह किधर खड़ा है, और सादे ड्रेस के अंदर खड़ा था, जाके ने उसको पकड़ लिया, उसका पांव पकड़ लिया कि तने पकड़ ली दो ने त्या हीरा मोती बदा मारा छे, उसको पकड़ लिया। और ये रेफरेंस जो है वो मुस्लिम जो है वो देता है कॉन्फ्रेंस में कि जैसे कोई किंग के जमाने में ये टोल्ड स्टोरी है, वो मुस्लिम कहता है कि वो बुढ़िया ने जैसे वो बादशाह को पकड़ लिया और सब हीरा जवाहरात छोड़ लिया, ऐसे आज हम आगा खान को मांगते हैं, दूसरे किसी को नहीं मांगते। मुस्लिम ने कहा कि जो तू लोणे पियो को तो कछु न मांगो आस, अने पियो पामो आपना तो सब कुछ तेरे पास। हकीकती समझ मांगो, रूहानी रोशनी मांगो। ए बीरा मारा हे राजा कारो हे तमे महेरा जमांगो हे पाच पदारथ पहला जमांगो। अर्जी करो, आजीजी करो, उसकी मेहरबानी मांगो और वो मेहरबान हो जाए तो पांच चीजें मांगो, कौन सी? ए वीरा मारा ए साता चाबू
नियाज मांगो सत सबुरी खमिया अने ईमाना सलामत जिकरे सुजागो ईमान सलामत अने जिकर पांच सत सबुरी खमिया ईमान और जिकर एक भी दुनिया की चीज है इसमें एक भी नहीं है सब रूहानियत की चीजें है सब मार्फत की चीजें है हकीकत समझ लीज इसके लिए सुल्तान मुशा ने फरमाया कि बधी दुआ थी आ दुआ वधी जाए छे न्याजनी प्याली हाथ में लियो तो तमे मांगो दुनिया की बीजी वस्तु मांगो पर एक दुआ पहले मांगजो न्याजनी प्याली हाथ में लियो तो एक दुआ पहले मांगजो कि ए खुदाया मने हकीकती आंख आप अने हकीकती समझ पछी जे मांगो मने हकीकती आंख आप अने हकीकती समझ आप और वो हकीकती आंख और हकीकती समझ हमें मिल जाए ने तो जिंदा रहो फिर हम कैसे बन जाए तो एक कुरान की आयत ढूंढ के लाया मैं कल कुरान लेके बैठा था ना वहां जोक मिल जमात खाने के अंदर कितनी ब्यूटीफुल आयत जो गिनान का पाठ किया ने बिल्कुल उसका तर्जुमा देख लो ये आयत और ये गिनान का पाठ इसका ट्रांसलेशन देख लो सुल्तान मुशा ने फरमाया ने कि गिनान है वो कुरान का एसेंस है देखो अल्लाह क्या फरमाते हैं जे दुनिया नो सवाब मांगे छे अमे तेने आपी दईए छे जे दुनिया नो सवाब मांगे छे अमे तेने आपी दईए छे अने ए लोको ने दुनिया माथी आपीए छे बीजा एवा छे जे एम कहे छे के अमे तो हलत्र कमावीए छे ने अमने पलत्र जोई के थोड़ा कमाते हैं और हमको ज्यादा चाहता है अने ए पलत्र हमने पेली दुनिया में जोईए तो हमने अमे तेने पण आपी दईए छे अमे एने आ दुनिया में पण आपीए छे अने पेली दुनिया में पण आपीए छे और फिर फरमाया के पण याद राखो अल्लाह फरमाते हैं कुरान में पण याद राखो जे शुखर करे छे अने जे काई पण नथी मांगतो जे शुखर करे छे अने जे काई पण नथी मांगतो अल्लाह एने बधु आपी दे छे अल्लाह एने बधु आपी दे छे आप उलझन में नहीं पड़ना कि आने मंगल जो कहना कि समझ नहीं कोने राइट मंगो लेकिन मांगते ज रहेंगे मटेरियली मांगते रहेंगे थोड़ा आगे तो बढ़ो शरीयत और तरीकत से थोड़ा आगे तो बढ़ो प्रहलाद के जैसे कि कहीं इच्छा नहीं वे कहीं नहीं मांगो सब बाता साही को सौंपिए अने हरदम कहिए तू ही तू सफर ली सोनावाड़ा आई वो ओछो वधु करो तो ना मुकेला डिस्टर्ब थे सलात पड़ा मुला के नाम पे सफर अली सोनावाड़ा इनकी इनके रिलेटिव्स मेरे को मॉन्ट्रियल में भी मिले थे इनकी ग्रैंड डॉटर है मॉन्ट्रियल के अंदर दूसरी इनकी लड़कियां हैं बॉम्बे के अंदर इनके जमाई बॉम्बे दरखाना के मुखी थे मरहूम मुखी मेहंदी रजब अली वो सफर अली सोनावाला बंदगी के अंदर इतना आगे बढ़ा हुआ दो बातें बताऊं इसकी एक टाइम उसको मजा नहीं आवे बंदगी में यानी वो जरा डिस्टर्बेंस हो गया तो सोचता है क्या बात है पता नहीं रसून बराबर है आमाल बराबर है दुआ बराबर है मौला के तरफ का प्रेम बराबर है वो चेक करता है मौलाना सरकार सुल्तान उषा को पूछता है खुदाबिन थोड़े दिन से बंदगी में पता नहीं क्या हो गया है मेरे को मौलाना साहब तपास कर तलाश कर कुछ न कुछ तेरे को मिलेगा तो वो जो तोलता था ने माल तोलता था ने तराजू वो तराजू के नीचे गोंद था गुंजर गम उतना ज्यादा गठा उधर चिटक गया था और वो गठा चिटकने की वजह से ग्राहक को माल उतना कमती जाता था ना? तो सब एक एक चीज चेक किया देखो कितनी बारीकाई है एक एक चीज चेक किया दुकान की कीने की भूल आए और तराजू साफ करते करते ऐसा ऊंधा किया तो गुंदर छिटके लिया अरे रे 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 इतलो माल बजे ग्राहक अभी कितना था वो मामूली समझो 5-10 सेंट का माल कमती गया होगा कितना माल बोले ग्राहक को कमती चले गया और फौरन माफी मांग लिया ने थोड़े पैसे डाल दिया जमात खाने के अंदर ना वो जने बोलते ने कि भाई ये पन खंडा केरी धार पीने चाहिए पर पाके लगनो तो ना लगता है खंडा केरी धार मुझे के केसर वाले सिरे खाते हैं अपून ने कैसे सगरी धाम करते हैं शरबत पीते हैं ठंडा मीन सोवट तलवार क्या धर्म तलवार की धार जेवो छे आपणे चालता नथी चालो बराबर तो पछी लागे हा बापा ए तो तलवार की धार है
इसके लिए सुल्तान मूसा ने फरमाया कि सिजदा करवा अने रुकू करवी ए सहेलू छे, पण हकीकतना रस्ताओ पर चालवू ए बहु मुश्किल छे। तो सफरअली सोनावाला ने मुसाफरखाना बंधाया। बॉम्बे का जो अपना इस्माइली का कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान के बाद एक बड़ी बिल्डिंग है मुसाफरखाना, इमाम को अर्पण करेला है और चीफ जमात खाने के मुखी है वो उसको हैंडल करते हैं। वो मुसाफरखाना उसने बंधाया, मौला को अर्पण किया। मेहमान के अंदर आए मौलाना सुल्तान मूसा, माँ बाप को रिपोर्ट देने में आया कि खुदाविंद इसने मुसाफरखाना बंधा के आपको अर्पण किया है। और हमेशा मेहमानी के अंदर फैमिली की मेहमानी हुए ना, खुद छेले बैठे, नजदीक नहीं बैठे कभी भी, हमेशा लास्ट खुद बैठा हुए, बाकी पूरी फैमिली को आगे बिठा हुए। माँ बाप बोलता है सफरअली नजदीक आओ, तो कच्ची में बात करे माँ बाप के साथ, बोले ना नजदीक नहीं है चंदो, नजदीक नहीं है चंदो, ऐसा नजदीक था ऐसा नहीं आने का है। फिर बोलता है मुझे छोकरी तुझे हुजूर में आई है, मुझी छोकरी तुझे मर गई थी, इनके जरा संभाली गिनी, वो हमारे पास है मौलक। सफरअली तुमने मुसाफरखाना बंधा के दिया है तो कुछ जवाब नहीं देता है। देखो हम तुमको जन्नत के अंदर नूर का मकान देंगे। बोले मुखे मकान मकान न था खपन, क्या बोलता है मुखे मकान मकान न था खपन, मकान मकान नहीं चेता है, बोले ना तो क्या चेता है मुखे तू खपे तो जो कोई नहीं, ऐसा बोलता है तू खपे तो। इसकी बेटी वारसानी माँ भी है बॉम्बे में है, माजी मुखियानी माँ दरखाने की माजी मुखिया ने मेरे को बोलती मिश्री असर तो बता निंदा 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 वाले मुझे बापा उदास थे तो असर छेते बैठो ये खुदा मकान बकान नहीं खपना तू खपे तो। मौला हंस पड़ा, खबर है गुजर गया। मौलाना सुल्तान मूसा ने फरमाया कि सफरअली सोनावाला का रूह हमारे नूर के अंदर आ गया है। और करीम अज़ीमाम के पास फर्स्ट टाइम 57 में मेहमानी रखे थे सफरअली सोनावाला के, मौलाना अज़ीमाम ने फरमाया सफरअली सोनावाले का आत्मा हमारे नूर के अंदर आ गया है। हाजिर इमाम ने फरमाया कोई दुनिया की कोई तमाने सब आश तो एक अलख ने कीजे अने अवरते आश निराश सब कबूरी खमिया ईमान अने जिक्र पांच पदार्थ पहला ज मांगो। ये चीज मेरे अंदर आ गई, सब आ गया है, सबूरी आ गई, खमिया आ गई है, ईमान आ गया है, सहनशीलता आ गई है। इसके लिए मैंने कल कहा ना कल की वाइज में कि चलो बहुत हम लोग आजीजी करेंगे गिरियाजारी करेंगे, मोला तू अच मोला तू अच 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 टोरंटो अच बस नाचे तो छोड़ो करना, हमारा पेशेंस चले जाएगा, हमारी सबूरी चली जाएंगी, हम बोलेंगे कि केड़ा गुना होना पांजा कि मोला ना आवियो। तो सुनो मैंने कहा था कल मैं बुक नहीं लाया था वहां पर, देखो दार ए सलाम के अंदर मौलाना सरकार सुल्तान मूसा ने एक फरमान किया है, कौन सी तारीख को 28/8/1948 क्या फरमाते हैं दार ए सलाम में, इस्माइलिया एसोसिएशन ना वर्ल्ड कमांडर इन चीफ मेजर मकलाई मार्फते जमात ने संदेशा ने नवाजिश करी, अमो घना दिलगीर थया छे के आजे तमो जमात ने अमे दीदार नो लाभ आपवा आवी शकता नथी, दुनिया बाने मारी तबियत सारी न होवा छता जमात ने राजी राखवा माटे तकलीफ सहन करीने पण दीदार आपवा माटे हूँ आवु छू, पण मारा सीरियाना अने बदक्षानना मुरीदो मने क्यारे तकलीफ आपता नथी, मारा सीरियाना अने बदक्षानना मुरीदो मने क्यारे तकलीफ आपता नथी, अने राजवारी संजोगोना कारणे त्यां आववा माटे पण मने अरस के दबाण करता नथी, के पॉलिटिकल भी वहां कंडीशन रही थी कि वो नहीं बुला सकते थे इमाम को, राजवारी संजोगोना कारणे पण ए लोको मने दोनों तरीके से बताया, एक तो पॉलिटिकल व्यू में नहीं जा सकता हूं वहां पर, वो लोग किसके वो समझते हैं कि गवर्नमेंट इस टाइप की है तो हम इमाम को नहीं बुला सकते हैं, और दूसरा मौला ने बताया कि बीजा कारणे पण ए लोको मने नथी बोलावता। फिर अत्रे दारे सलाम मां अमे आव्या छीए अने आजू बाजू ना शहर अने गामडानी जमात मने आववा माटे मांगणी करे छे, नाना गाम माथी पण त्यां जवा माटे अमोने घणा तार आव्या छे, अने ज्यारे तबियत ना कारणे के बीजा कोई कारणे अमे आवी नथी शकता त्यारे जमात कहे छे के या इमाम अमारा जे गुना होय ते माफ करो, पण आ काय गुनानो सवाल नथी, अमारा गुना होय ते माफ करो पण आ काय गुनानो सवाल नथी, आ तो दुनिया छे, जेम शरीर माटे बीमारी तो होय तेथी गुनानो काय कारण नथी, पण हूँ इच्छू छू
કે મારા બીજા દેશોના મુરીદોની માફક સમજી અકલ વાપરી મને તકલીફ પડે તેવું કામ ન કરવું. મારી ના તંદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં જમાતને દીદાર આપવા માટે મોટરમાં આવું છું, પણ તેમ કરવા માટે પણ મને બેહદ તકલીફ પડે છે. ખાનાવદાન ખાનાવદાન સલવાસપુરા મોલા કે નામ. અભી યે મેને આપકો ઇસકે લિયે નહીં બતાયા કે આપ નહીં માંગના, ગિરિયાદારી ચાલુ રખના. લેકિન યહાં એક સેન્ટેન્સ આયા કે કદાચ ના આયા મોલા તો નારે પંજા ગુના બહુ ના. મોલા ને કહા ઇધર ગુના કા સવાલ નહીં હૈ. ઓર યે ભી નહીં હૈ કે ટોરન્ટો મેં એસે લોગ નહીં હૈ કે જો હાજરી મામ કો નહીં ખીચ સકતે, ખીચ સકતે હૈ. લેકિન ઓ લોગ કો મુજે નહીં લગતા હૈ કે કોશિશ કરે. ઓ લોગ કોશિશ નહીં કરેંગે, અપની તસ્દીયા ચાલુ રખેંગે. લેકિન કદાચ મોલા કા હુકમ નહીં હોવે, કદાચ હોવે. લેકિન તો મેજોરિટી મેં જાઓ ને, મેરે કો મેરા સ્કૂલ લાઈફ યાદ આતા હૈ કે કભી કોઈ એસા હોલીડે આવે ઓર હમારા પ્રિન્સિપલ રજા નહીં દેવે તો હમ લોગે ને પૂરા ગ્રુપ બના કે જાના 20-25-30 લડકે કા. એસા એક દો નહીં, એક દો કા સુને જ નહીં પ્રિન્સિપલ, પૂરા ગ્રુપ બના કે જાના ને તો પ્રિન્સિપલ ભી ગભરા જાવે બિચારા. 100 કંપની તો પૂરા ગ્રુપ યદુલ્લાહી માઅલ જમાત, અલ્લાહ નો હાથ જમાત ની સાથે છે. પૂરી રૂહાનિયા સબ સાથ મે મિલકે ઓર ગિરિયાદારી ઓર આજીજી ઓર ઝિકર પ્રેમ સે કુલાચાર કરકે નહીં. ના અસા ભી તુજા બચ્ચા હૈ કે તું ભી આજ તો ફાઇન હૈ, સારો હૈ. લેકિન રૂહાનિયત કે અંદર ઓર આગે બઢને કી કોશિશ કરો. મોલા ચાહતા હૈ દેખો સીરિયા ઓર બદખશાન વાલે ક્યો ક્યો ઓ લોગ જાહેર દીદાર કી માંગણી નહીં કીએ, ક્યો રોજ દીદાર કરતે હૈ રોજ. હારે હે નામ લેતા નામી કો પાવે, હરે નામ લેતા નામી કો, નામ લેતા નામી કો પાવે. નામ લેને કે સાથ, નામ લેને કે સાથ બૈતુલ ખ્યાલ ભી નહીં ઉન લોગ કે પાસ, બૈતુલ ખ્યાલ નહીં. કિતની જમાત હૈ, 70,000 કી જમાત હૈ. કિતની કલમિયા મેં 70,000 આજુબાજુ કી મિલા કે. આપકો પતા હૈ બૈતુલ ખ્યાલ મેં કિતને હૈ, 122 મેમ્બર હૈ, 122. પહેલે ખાલી 15-20 થે, અભી 122 હો ગયે. ઉન લોગો કો હાજરી ઇમામ બૈતુલ ખ્યાલ મેં દાખલ નહીં કરતા હૈ. હાજરી ઇમામ કે પાસ લિસ્ટ પડા હૈ, બહોત બડા લિસ્ટ પડા હૈ. ખુદ જો ચીફ મુખી હૈ ઉસકા ભી અભી અભી નામ પાસ હુઆ. કિતને ટાઈમ સે ઉસકી અરજી પડી થી, ઇન્ડિયા આયે થે તો બાત કરે ઉન્હોને કે મેરી અરજી બહોત ટાઈમ સે પડી થી, લેકિન તુમ લોગ કો તો ખોજે લોગ કો બહોત અચ્છા હૈ કે તુમ લોગ 500 રૂપિયા ભરતે હો તુમ દાખલ હો જાતે હો. લેકિન હમારી અરજી તો બોલે બહોત ટાઈમ સે પડી હૈ, હમારા નામ ભી અભી ઇમામ દાખલ નહીં કિયા હૈ. લેકિન અભી હો ગયા ઉસકા નામ દાખલ, 120 જણે ઓર તૈયાર બહોત હૈ. લેકિન જમાત ખાને મેં સુબહ હાજરી કિતની પતા હૈ, કિતની હાજરી મેને કોઈ એક જમાત ખાને મેં બતાયા, યહાં પર યહાં પર બતાયા, વેનકુવર મેં પતા નહીં હૈ. મિસિસ ચાંપસી અભી ગલ્ફ મેં હૈ, દુબઈ કે અંદર. વો ઇન્ડિયા આઈ થી મેરે ઘર પે, મેને ઇસકો ખાના કિયા થા, અફ્રીકા વાલે હૈ. તો મેરે કો બોલતી હૈ મિશનરી, મેને બોલાઓ નહીં આઓ યે બાત, મિશનરી આઓ સલમિયા વહી સે. અરબ લોગ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ નારા લાયક કરે, બોલે ગાલીઓ બહુ સુણી ભી. અને સલમિયા પ્રેસિડેન્ટ અને જમાત ખાને જ્યાં મુખી, એ હાજરી મામ જ્યાં વ્યાં પતાય નહીં આવ્યા, ઇન્ડિયા ઘરે ઉતારો ડીના. સાંજો અસા દુઆ પડેલા આવ્યા જમાત ખાને જે અંદર સુનના, બોલે દરવાજે કે પાસ થી સા બાર કોરિડોર કે અંદર. તો એક અરબ ભાઈ આઈ, ઉસકા નામ મેરે કો લિખાયા, શબા ઉસકા નામ હૈ. વો ભાઈ બારા કે દુઆ કો ટાઈમ થા, ઓર મિસિસ ચાંપસી કો ઓર મિસ્ટર ચાંપસી કો એસા ગલે લગી, કિસ વિસ કરી. ઓર ક્યા બોલતી પતા હૈ કે મેં અંદર અભી તસ્બી નિકાલતી થી ને, તો મેરે કો હાજરી ઇમામ કા ઓર્ડર હુઆ કે મેરે દો ગેસ્ટ હિન્દી હિન્દી જમાત કે ગેસ્ટ આયે હૈ, જા ઉસકો સત્કાર કર. તો બોલે મેં તુમકો આઈ. ઓર ફિર બોલતી હૈ મેં ઓરિજિનલ ઇસ્માઈલી નહીં હું, મેં સુન્ની મેં સે ઇસ્માઈલી બની હું, સુન્ની કે અંદર સે ઇસ્માઈલી બની હું. મેને કુરાન મેં સે ઇમામ કો તલાશ કિયા, બોલે કુરાન કે અંદર સે. આજ બહોત બરસ સે મેં ઇસ્માઈલી હું. ઓર રૂહાનિયત કે અંદર કિતની આગે. ઓર રાત કો મુખી સાહેબ કે ઘર મેં ગેધરિંગ હુઈ, મિસિસ ચાંપસી કહેતી હૈ. ઓર 3:30 બજે તક હાજરી ઇમામ કી બાત કી હૈ શાદી કી, પેરિસ કી શાદી કી 69 કે અંદર. ઓર ફિર બોલે કે મિશનરી સાહેબ પછી લોકો આય ને આપસ મેં કાન જે અંદર ઘુસપુસ ઘુસપુસ કરલાય મંડિયા. અને પછી મુકે ચોયતા જે પ્રેસિડેન્ટ કોને કાઉન્સિલ જા કે અભી તુમ સો જાઓ, હમ લોગ જાતે જમાત ખાને. તો બોલે હા હું જોર સે ચોઈ સે કે જમાત ખાને કાં જાતે તુમ લોગ, બૈતુલ ખ્યાલ મેં. હમ પૂછી સે લોકે બૈતુલ ખ્યાલ મેં જાતે હૈ. તો પ્રેસિડેન્ટ અચ્છી ને મોર પર હટ દબાય, તું બૈતુલ ખ્યાલ વર્ડ બોલે કેસા મુંહ મેં સે. કાન મેં પૂછતા હૈ આર યુ ઇન બૈતુલ ખ્યાલ,
तो बोले आप जरा डापड़ करी से मुझे कहा हाँ मैं बैतुल ख्याल में भी और मेरे पास इसमें आजम भी है। मेरे पास इसमें आजम भी है? बोले हाँ इसमें आजम भी है। अच्छा तो यू कैन टॉक विथ हाजिर इमाम, यू कैन सी एवरी डे हाजिर इमाम। तो बेचारे मेरे को मिसेस चांसी बोली क्या तो ना पड़ीस कि ना हाजिर इमाम साथ बात थी है? बोले के रीते थे तो हाजिर इमाम रोज देखा है इनोसेंट, वो भी बिचारी बाई इनोसेंट थी। तो बोले आप एड़ी रीते चाहिए, वो इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश में बात होती थी। तो मुके कुरो चेता खबर है मरीज, यू आर मरीज 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 यू ना, वट इज अ मरीज? बीमार, तुम लोग बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, बीमार बीमार हो। इसमें आजम है? यू कांट टॉक विद हाजिरी माँ, यू कांट सी हाजिरी माँ, कि तुम देख नहीं सकते हो, तुम कैसे हो, तुम मरीज हो, बीमार हो। और फिर इशारा किया कोई को, और 10 मिनट हुए ने तो हाथ से बनाए ले फोटो दो बड़े करीम हाजिर इमाम के, अच्छा कपड़े के अंदर लपटे ले और कपड़ा खोल के ने दिखाए कि ये क्या है? बोले हाजिर इमाम का फोटो है। पता है कैसे? कैसे? बोले पेंसिल से बनाया। कौन बनाया पता है? बोले नहीं, वो दो आदमी को बुलाया जो बनाए थे, देखो ये आदमी लोग ने बनाया। कभी बनाया पता है? जब सुल्तान महमूद शाह की वफात हुई, हमारे पास अभी टेलीग्राम नहीं आया था, और ये दो आदमी ने कहा हमें कि वफात हो गई, और ये हाजिर इमाम का फोटो दौड़ा कि देखो ये इमाम गाजी पे आया है, ये इमाम गाजी पे आया है। ये लोग ने कभी करीम हाजिर इमाम को देखा नहीं था बोले, लेकिन इन्होंने अपने स्पिरिचुअल पावर से फोटो दौड़ के ने देखो बताया कि ये इमाम गाजी पे आया है, ये आया है गाजी पे। हम बताओ बैतुल ख्याल नहीं, और इसका रेफरेंस दिया मौलाना सुल्तान हुसैन, हमारा सीरियाना हमारा बदख्शाना मुरीद हो। तो ये लेवल पे मौला कहता है जाओ, जो कि इसमें जाहिरी दीदार की भी बहुत जरूरत है। लेकिन सुल्तान महमूद शाह ने कहा के खोजा वो सगड़ू जाहिर मांगे छे, बातून पर निगाह पहुंचाड़ता नहीं। याद रखो ज्या सुधी बातून ने नहीं जो तुम्हारा कोई काम नहीं था, ज्या सुधी बातून ने नहीं जो। इसके लिए मैंने पहली वाइस में रिक्वेस्ट की कि बंगी की प्रैक्टिस करो, हजी मौला बापा 23 तारीख को आने वाला, आओ रोज सुबह 4 बजे जमात खाने आओ आओ, और बंगी के अंदर गिरियादारी करो उसको, हे मौला हमारी बंगी कमजोर हो गई है लेकिन अभी हम बराबर रखेंगे, तू रहम कर, तू दया कर, और हो सके तो तू आ टोरंटो, खेचो तार खेचो। हे वाताणे ना टूटे हे तार के सूरती बांध जो रे लो, ताड़े ना टूटे तार हारे ए 500 गांव पर हे मुर्शिद हो मेरे भाई, 500 माइल के अतराफ पे होवे, हे 500 गांव पर हे मुर्शिद होवे, हे मुरीद संभरे तो तत्क्षण हाजर हो मेरे भाई, हे मुरीद संभरे तो हे तत्क्षण हाजर हो वे। समझाणी का है मन समझावणी के 500 माइल के अतराफ में हुए और मुरीद याद करे वो इमीडिएट तुम्हारे पास आवे, तत्क्षण हाजर होवे। और असनाबाद के परथार के ऊपर ये ज्ञान की चर्चा होती है, और मरूम महर अली बाटला वाला बम्बई का जरा आगे बढ़ा हुआ था, तो दूसरे 4-5 मेरे जैसे जो थोड़े ढीले थे ने, भगत इंडो मीनिंग करो थे, तो बोले इमाम इतने नजदीक में हो ने अने पा याद करजे तो तरत हाजर थे, भलो ने पा प्रैक्टिकल इंजो करजे प्रयोग। भगत बुलायो ने फिर तेजाज बैठो है, वालकेश्वर में बैठो है, बम्बई में थे। बोले ना प्लीज ना ना ना, ऐसा की पार्ट चेक करनो है। बुलाये बहुत जिद की उसको, और वो बैठा मेरे लिए बाटने वाला बैठा आंख बंद करके, और 20-25 मिनट नहीं हुए और सरकार सुल्तान मुशा की गाड़ी असनाबाद में दाखिल हुई, नाइट सूट पहना हुआ है, और माँ बाप परठार चढ़ के सीधा ऊपर आए और ऊपर आके ने मेरे लिए के इधर हाथ मारा, क्या है मेरे लिए, क्या है, क्यों बुलाया हमको? तो बेचारा रो पड़ा, खुदा ने लोग मजबूर किए मेरे को, ये लोग मजबूर किए मेरे को लाचार, बोलते गिनान का पाठ हमको साबित करके दिखाना, हमको साबित करके दो। फिर माँ बाप ने एक रमत की वहां पर, जो वो टोड़ी के अंदर थे ने मिशनरी वजीर अब्जी अभी बॉम्बे में है, बोले बापा ने लकड़ी रखी, देखो जाओ सब इबादत फू तुम्हारा फू, माँ बोलता है
बेचारा बहुत रोया, इतना रोया, और फिर खाना पीना बंद कर दिया उसने। इमाम को पता चला, वजीर अब्जी ने कहा कि खुदा भी उसने खाना पीना बंद कर दिया है। माँ उसको बुलाया, क्या अब तुम खाना पीना नहीं खाता 3 दिन से? तो रो पड़ा, मेरे को माफ कर दे खुदाविन। नहीं नहीं, सब माफ है, जाओ सब माफ, सब माफ, वापस माफ, वापस लाइन चालू कर दी। याद ही मत करो, मौला ने कहा। मगर उसको जीने नहीं दिया ज्यादा, 3 महीने के अंदर उठा लिया, 3 महीने के अंदर। मगर पाठ उसने साबित करके दिखाया, 500 गांव पर मुरीद हो गए, मुर्शिद हो गए, मुरीद समरे कतक्षण हाजिर हो गए, कतक्षण हाजिर। इसके लिए कहा कि जिद से नहीं, विदाउट रीजन नहीं, विदाउट रीजन नहीं, उसको तकलीफ मत दो। रीजन मोला हाने तुझा सुधी आ गए, तुझी इच्छा हो, तुझी दया हो, तुझी मेहर हो, असा जा अवगुण जैसा मैंने न रही, अने जो पगला कर वो शुक्र, तुझा घना शुक्र, लाखों शुक्र। मगर दुनिया की चीजें कम मांगो, ये तो दीदार तो हमको मांगना है, दुनिया की चीजें कम मांगो। हसनाबाद का मामद कामड़िया 16 बरस का था, माँ के साथ मेमानी के अंदर बैठा है। मौलाना सरकार सुल्तान उषा को इसकी माँ कहती है, खुदाविन ये मेरा बड़ा लड़का है। मौलाना ने कहा, अच्छा क्या करता है, नाम क्या है? बोले मामद। मामद क्या करता है? खुदा ने अभी मैट्रिक का एग्जाम दिया है, SSC का। क्या इरादा है तेरे को? खुदाविन अभी सोचा नहीं है कुछ। तो मामद एक काम कर, देख इंजीनियर बन, इंजीनियर देख, तू इंजीनियर बनेगा ने? माँ बाप ऐसा करता है, पहले इतना पैसा होएगा, फिर इतना होएगा, फिर इतना बहुत पैसा हो जाएगा, बोल ऐसा हाथ किया, इतना पैसा वाला हो जाएगा। तो बोलता है, मेरे को पैसे वाला नहीं बनना है, पैसे वाला नहीं बनना है, पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कहता है, ईमान की सलामती दे। 16 बरस का छोकरा, माँ का सिंचन देखो, माँ बाप का सिंचन देखो। बोले ईमान की सलामती, जोर से हंस पड़े, माशाल्लाह बहुत अच्छा मांगा, जाओ हमारा दुआ है, हमारा दुआ है। वो हसनाबाद का कामड़िया बना, कितना स्टॉन्च ईमान। औरत मर गई, उपरा उपरी 3 बच्चे मर गए, इतना भगत, बीमारी नहीं कुछ, इसका रुवाड़ा तो फड़के। छेली लड़की जब मर गई, कामड़ी की पोस्ट के ऊपर था, सीरियस थी एकदम, और फिर खुदा की रहमत पे पहुंची तो आया कि कामड़िया से छोकरी दम दी दी नहीं, खाने जो कम काज पता नहीं अच्छा है, तो आए जमात के चो मड़े इनके नराय धुराय ने तैयार रखे लाश के आप अच्छा। एक दिन आंसू नहीं निकाला। हर हालत नी अंदर जे शुक्र अदा करे छे, जे काई नथी मानतो, अल्लाह ने फरमाया हूं एने सर्व काय आपी दऊं छू, एने बधु आपी दऊं छू, बधु आपी दऊं। जो तू लोणे पियो को कछु न मांगो आस, पियो पामो आपना तो सब कुछ तेरे पास। तो इसको रूहानियत ने हासिल करने की कोशिश करो। तो कहा ना कि मैंने बादशाह को ले लिया, तो पूरी बादशाही मेरी है, पूरी बादशाही मेरी है, सब बादशाही मेरी, और ये दुनिया की सुख और दुनिया का दुख और दुनिया की सब बीमारी ने। एक फरमान रात को सब देख रहा था तो एक फरमान और मिला, जो तो बहुत जने को राहत देगा। देखो क्या है फरमान और कहाँ का है वो हम देखे। कंपाला का है, 1945 का। क्या फरमाते हैं? आ दुनिया में सख्ती हो तो तेनी सामे लड़जो, पर ते माटे क्यारे भी दिलगीर नहीं थजो। आ दुनिया में सख्ती हो तो तेनी सामे लड़जो, ते माटे दिलगीर नहीं थजो, अने बीमारी होए तो पण दिलगीर थता नहीं। इसका मतलब है दवा नहीं करना, बीमारी होए तो पण दिलगीर थता नहीं, कारण के तेना थी तमारा दुनियाना फेरा ओछा थशे, कारण के तेना थी तमारा दुनियाना फेरा ओछा थशे। जो तमारी आंख पण चाली जाए तो पण दिलगीर थता नहीं, तमारी नूरानी आंखों में रोशनी थशे। दुनियाना काम पण बराबर करजो, दुनिया ने पण संभाळजो अने धर्म ने पण संभाळजो। तमारी साथे जो के अमे जाहिरी मां नथी होता, पण वल्ला तमे खात्री थी मानजो, बातून मां रात अने दिवस हूँ तमारी साथे छूं, अने रोज तमने हूँ याद करू छूं। हाना वदान सलवात पढ़ मोलाकी। जाहिरी मां हूँ कदाच तमारी पासे नथी होत, पण बातून नी अंदर हूँ रात अने दिवस तमारी पासे छूं। अब वो पास कहाँ है वो तपास करो। है दिनदारो है, पास है सामी, नहीं है खामी, तमे पूरो राखजो विश्वास। हाँ, दिल के आईने में है तस्वीरे यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली, दिल के आईने के अंदर है, जरा गर्दन को झुकाओ। एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सीडेंट के अभी दवा करो। एक्सीडेंट हो गया ने, मैं हॉस्पिटल के अंदर हमेशा जाता हूँ, बहुत टाइम मेरी आदत है एक जात की,
कि कभी कब्रिस्तान में जाऊं, कभी हॉस्पिटल में, अपने लिए खौफ पैदा हो गए कि मौला कर दी दुनिया छोड़ी नहीं, बद छड़ी ने हाली भी नहीं जो है, और बीमारों को देख के ने जो गुनाह हो गए हुए ने तो थोड़ा पछतावा होता है कि मौला गुनाह माफ करना, गुनाह माफ करना, पछतावा हो गए। तो हॉस्पिटल के अंदर गया तो एक मरीज पड़ा था, जवान था बेचारा, सब खाना पीना खाने का भान है, सब भान है, एक भान नहीं था, क्या बाईड़ी बैठी है, माँ बैठी है, बच्चे बैठे, कोई को पिछानता नहीं, रोता है। छह महीने से पड़ा था, तो ब्रेन के अंदर मार लग गया था, स्कूटर के ऊपर जा रहा और ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में मार लगा, सब मेमोरी चले गए। और बिचारी बाईड़ी पूछे, डॉक्टर अभी कभी आएंगे, इसकी याद कभी आएंगी? रोज आवे, रोज आवे, रोज पास, माँ भी रोज पास में बैठे। बोले बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, इसकी दवा चालू है, तुम सबूरी रखो, तुम धीरज रखो और इसकी याद शक्ति आएंगी, उसकी याद शक्ति आ गई। और आ गए ने तो पहला सवाल क्या किया बाईड़ी को और माँ को, तुम लोग इतने दिन थे किधर? फर्स्ट क्वेश्चन, अरे हम लोग तो रोज तेरे पास थे, हम लोग रोज तेरे पास थे, पर तेरी याद शक्ति चले गई थी ने, ऐसी हमारा एक्सीडेंट हो गया है, किसके साथ? दुनिया की माया के साथ टकरा गए हम लोग, और हमारी स्पिरिचुअल मेमोरी चले गई, हमारी रूहानी याद शक्ति चले गई। और वो धनी कहता है, रात ने दिवस हूँ तुम्हारी पासे छू, और स्पिरिचुअल मेमोरी चले गई है दुनिया की माया के साथ टकराने की वजह से, इसने हमको दवा दी, इसने हमको इंजेक्शन दिया, जिक्र की दवा दी, हमें जिक्र का इंजेक्शन दिया कि जिक्र करो और देखो, जिक्र करो और देखो कि वो दूर नहीं है, पास है सामी अने नहीं है खामी, तमें पूरो राखजो विश्वास, ये पास है, रोमे रोमे मारो मौला राजो बैठा, चैतन पुरुष अविनाश एक एक रोम के अंदर बैठा, एक एक रोम के अंदर बैठा। छेली एक बात बताऊं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वायस बंद करूं, और फिर थोड़ा बड़ी गिरियाजारी करे मौला को हम जिक्र करे, क्योंकि अभी तो लगता है कि ये लास्ट वायस है मेरी, तो बोलेंगे आई थ्रेडी से चौथा लास्ट वायस आने वो भी नहीं तो ओके। और वो बात है, मैं नाम ठाम तो नहीं देता हूं, मौलाना शाह करीम आजरी माम की पधरामनी हुई और धार्मिक कामकाज थे, एक भाई ने दो मादन के छांटे के कार्ड निकाले, एक अपने भाई के लिए और खुद के लिए, धनी बनी ने दला दिया था छांटा। भाई रहता है बाजू के गांव में, भाई को फोन करी कि टाइम सर पुगी भी नहीं, भाई टाइम सर आया नहीं, जल्दी पहुंचा नहीं, और उसके बाद में उसने क्या करी कि कार्ड दे दी कामड़िया साहब को, कामड़िया साहब यहाँ कार्ड एक्स्ट्रा है, वे भाले कटाई उससे पड़ी पूजियो ना है कि कोई के जरूरत पे तो दे दीजा, और कार्ड बंद हो गए थे। अब छाटे के थोड़े अवर्स पहले वो भाई पहुंच गया और बोले बेन मुझे कार्ड, तो बोले हम तो दे दी नहीं, अरे तो थोड़ी वाट में, बोले बहु वाट ना तो जी बा, मैंने तो मुश्किल ही कर तू ही कर, मुझे कार्ड गिनी और खुद का कार्ड उसको दे दिया। अब कामड़िया साहब वहां से पास हुए तो बोलती है कि कामड़िया साहब वो कार्ड है दीदी ना, कोई के बोले ना हो तो भूलियो मुझे खींचे में पियो है, तो बोले दियो ने मुझे भा अच्छी दियो, तो वो कार्ड लेके ने वापस भाई को दे दी ने खुद का कार्ड दे दी। और फिर छाटा दलाने को गई, छाटा करके ने आए और लास्ट दीदार देने का जब टाइम था और हाजरी माम जब कॉम्प्लेक्स के पास आए तो उतरे नहीं, और सर को कहा कि देखो मैं 5 मिनट में आता हूँ, गाड़ी ले गए हॉस्पिटल के अंदर, सीधा वो बाई के पास आए, बाई कोमा के अंदर थी, जाने की तैयारी थी, उसके पास जाके खड़े रहे, उसके चेहरे के ऊपर हाथ बात फिराया, दुआ शीश दी और फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर दीदार देने को आए और यहाँ हाजरी माम रवाना हुए और ये भाई खुदा की रहमत के ऊपर पहुंच गए। हरे हे अभी चल भक्ति हर देने कारी रे बाई, हर तेने हे आवागमन नहीं हे आवे पारी, हे एक दियो तारी दे ही मा, एक दिया हमारे देश के अंदर एक लैंप, अने बीजो दियो सत परमात्मा, बीजो दियो सत परमात्मा,
ज्या लगी ए दीवे दीवो मरे नहीं, अरे त्या लगी चारो जीव फेरा खाए। ज्या लगी दीवे दीवो मरे नहीं, और इसके लिए बैतुल ख्याल हमें दिया है। मैंने फरमान पढ़ा था कि जो हमारा मानखा अवतार मड़ियो छे, तमे होशियार था, हमारा तमे रूहानियत रस्ता ऊपर छो, तमे होशियार था, तमने आ उत्तम देह मड़ियो छे, एना आधारे रे तमे रोज थोड़ी बंदी करो, अने जारे आ देह छोड़शो, मौलाना सुल्तान मूसा कहते इंशाअल्लाह तमारो रूह सीधो इमाम ना नूर नी अंदर अर्थात अर्थल नी अंदर वासल थशे, सलवात प्रमाणे अर्थात तमे कोशिश करो। चले मैंने कहा रोज 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, और छोड़ो सब दुनिया की आधी व्याधी, ये पॉलिटिक्स, ये राजद्वारी, ये हसद, ये ईर्ष्या, ये एक दूसरे के तरफ जलसी, ये सब गुनाहों के काम अगर बढ़ना है आगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये भार सब छोड़ना पड़ेगा और फिर बढ़ो आगे मौला के तरफ। और देखो मौलाना हाजरी माम ने जो फरमाया कि इंशाअल्लाह हूँ दुआ करू छू, एक वक्त तमारू जीवन पूरु थाय एना पेला एक वक्त हूँ दुआ करू, तमारी जिंदगी पूरी थाय एक वक्त તમે એ નૂરની નજીક થાવ, એ તાજીજી કરતા હે કે હું દુઆ કરું છું, હું તમને દુઆ કરું છું, તમારી જિંદગી પૂરી થાય એના પહેલા, ઓર જિંદગી કા કોઈ ભરોસા નહીં, ઓર ઇસકે લિયે જ્યાદા ખ્યાલ થોડા રૂહાનિયત કે તરફ દો, કે બસ રૂહાની તોર પે હાજર ઇમામ કો નજીક કરના હે, બાસુની તોર પે મૌલા કો નજીક કરના હે, ઓર ઉસકે પીછે અપના પૂરા ખ્યાલ ઓર પૂરા ધ્યાન લગાઓ, ઓર દેખો વો પ્રગટ હોતા હે કે નહીં, હે અમારે અંદર હી, અમારે રોમ કે અંદર હી, લેકિન વો એક્સિડન્ટ હો ગયા હે, इसके भी दवा कराने की हमको जरूरत है। मौला के पास गिरियाजारी करें, खुदा अंदे हाजरी माम हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमान के काम से बचाना, या मौला जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, या मौला सुबह शाम जमात खाने आने की आला शक्ति हिम्मत और प्रेरणा देना, तो अगर जमात क्या है जिंदा सलात।